गाइस अभी अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट हुआ और अभी हम लोगों ने थोड़ा कुछ खाया बिकॉज थक गए थे और पूरे राइडर ग्रुप से मिला और लाइनअप दिखाता हूँ क्या क्या बाइक का लाइनअप है आज के दिन में। तो ये सब स्पोर्ट्स बाइक वाले डेफिनेटली ये लोग भगाएंगे भाई, मैंने बोला था, मैं इन लोग को जब बोला ना कि तुम लोग तो भाई राइड करोगे ही खतरनाक वाला, कि तुम लोग को स्पीड लिमिट टेंशन नहीं है इतना, मेरे को थोड़ा लिमिट दिया गया है 60 का, मैंने उनको बोला है थोड़ा स्लो चलाऊंगा मैं, पर इट्स ओके। तो मज़ा आएगा इस आज सबसे मिल के, हर एक बंदे से मिल के आज थोड़ा अच्छा लगा, मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसे पूरे राइडर के ग्रुप से मिल के मज़ा आया। काफ़ी टाइम हो गए थे मैंने भी घूमना वूमना कुछ हुआ नहीं था, तो आज फाइनली वो टाइम आया कि चलो भाई पब्लिक मिले आज, और काफ़ी अच्छे लोग थे लोग सब, एंटरटेनिंग, सबका थॉट प्रोसेस सिमिलर, कुछ करना है लाइफ में, सब कुछ ना कुछ कर रहे, कोई ऐसा वेल्ला नहीं पड़ा, होते बोलते ना हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ये अनिकेत चालू है वीडियो, नडी चालू है ना, तो ये एक्चुअली जो नडी सामने है ना ये भी व्लॉगर है, मोटो व्लॉगर है और ये भी व्लॉग करता है, उसने 360 चालू किया है, आप लोग देखो। मेरा आगे वाले टायर में हवा कम है, मुझे भरवाना पड़ेगा, तो वो मैं आगे जाके करता हूँ। जब ग्रुप में राइड करते ना यही मज़ा है कि पब्लिक सब साथ में चलने वाले चाहिए बस। हाँ हाँ, ब्रेकिंग तो माशा अल्लाह है मेरे हिमालयन का, ब्रेकिंग के मामले में तो मेरा हिमालयन मार ही नहीं खाता है यार, ब्रेकिंग एक ऑफ रोडर और ब्रेकिंग क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, डुअल डिस्क की वजह से ना मुझे ब्रेकिंग अच्छा मिलता है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, पूरा लाइनअप फायरिंग लाइनअप लग रहा है आज, थोड़ा आगे जाते हैं अपन। किल मारा, राइड किया, वो पटाखे। ये अच्छा है इन बंदों का कि भाई उन्होंने स्पीड लिमिट को समझा है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चीज़ समझा है, कोई ओवर स्पीड वाला बंदा नहीं है, सोच समझ के राइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ग्रुप असली स्पीड दिखने वाला है आप लोगों को, नो असली स्पीड अभी दिखेगा, ये सब अभी असली स्पीड पे आएंगे अपने अपने, खुला हाईवे पर अपन नहीं करेंगे ओवर स्पीडिंग, वॉट एवर द लिमिटेशंस यू शुड बी अंडर दैट, देर इज समथिंग कॉल्ड लिमिटेशंस जो मेरे को अभी रखना पड़ेगा ही, एनी हाउ ये लोगों ने भी मुझे वही बोला, स्पीड लिमिट रखना है, प्रॉपर चलाना है, दैट इज़ अवर प्राइम मोटो, नो वन इज शुड बी हार्टेड, आराम से चलाएंगे एकदम, खाई नहीं है कुछ भी। फेयर तो मैंने बहुत चढ़ा रखा था यार, आप लोगों को उपसो आवाज़ वगैरह आ रहा होगा, आवाज़ का कोई दिक्कत नहीं है, आज मेरा गोप्रो का बैटरी भी बहुत ज़्यादा डाउन था। जब अपन एडवेंचर पे अभी कभी गए ना तो ये सब लोग बोलने वाले भाई हिमालयन हिमालयन है, फिर देखो 60 का स्पीड लिमिट दिख रहा है एंड आई एम मेंटेनिंग दैट स्पीड। हाँ मेरे को स्लो करना पड़ेगा गाड़ी, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया अपना, मोर और लेस इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे, पब्लिक से मिलने को बहुत अच्छा लगा, और अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी आप हम लोग का सबका प्लान है अभी,
कि थोड़ा यहाँ से पाम बीच से सब लोग जाने वाले और फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। अभी सब लोग शूट कर रहे हैं सब। हाँ हाँ हाँ, एक नंबर पैसा वसूल राइड आज का, पैसा वसूल राइड आज, लिटरली पैसा वसूल है। उनने 80 को टच करने वाले थे भाई साहब, मुझे कुछ समझा ही नहीं मैं कितने स्पीड पे हूँ। नहीं नहीं नहीं, और नहीं खुलना, और नहीं खुलना, 60 लास्ट। अपना व्लॉग आ जाएगा। वैसे भी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, दिन का व्लॉग दिन में डालता हूँ, मतलब आज एडिट किया तो आज ही उसको एडिट करके डाल देता हूँ, कल तक मैं नहीं रखता, तो वो मज़ा चले जाता है यार। अगर आप दिन का व्लॉग दिन में, मतलब उसी दिन का व्लॉग उसी दिन में डालोगे ना, तो आपको स्टोरी लाइन याद रहती है, हाँ मैं इसके बाद ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सब चीज़ें आप लोगों को फिर कैसे याद रहती है। जिस दिन का व्लॉग उसी दिन कंप्लीट करो, डाल दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, रेदर देन पुटिंग इट फॉर द होल्ड फॉर 3 to 2 days, देन आफ्टर दैट यू विल एडिट एंड ये सब चीज़ें में कैसा होता है, फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है ब्लॉग का, फिर आपको स्टोरी लाइन याद नहीं रहती कि मैंने क्या बनाया था, मैंने किधर क्या बोला था, ये सब चीज़ें निकल जाती है फिर दिमाग से। भाई किधर गए सब? इंजन ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग करना ज़रूरी है। ऐसे चलाओ भाई, ऐसे आराम से चलाओ, लेट लतीफ़ी सही, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। कितनी प्यारी चल रही है यार, कितनी प्यारी, विद मिनिमल वाइब्रेशंस ऑन हिमालयन यू विल राइड कंफर्टेबली टू द किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। यू डोंट नीड एनीथिंग, आप बस सोलो राइड पे निकलो या ग्रुप राइड पे, ग्रुप राइड में ये थोड़ा होगा ही, ग्रुप के साथ रह पाओगे, ले तो अगर ऐसा रहा ना तो अभी लोगों ने मुझे क्या बोला मैकडी में, भाई हम लोग सब आगे भी चले गए, टेंशन मत ले भाई, सब किधर गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा मेरे को आसपास। ये अच्छा है इन बंदों का कि भाई उन्होंने स्पीड लिमिट को समझा है। दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए है। मेरे हिसाब से 100% दिया ही है, क्योंकि मैं सुबह भी देखा था तो फ्यूल इंडिकेटर है ना, वो अभी लास्ट लाइन पे, सेकंड लास्ट लाइन पे था, तो वहाँ से अभी सेकंड लास्ट से थोड़ा हिला है, मतलब ये 30 का माइलेज आराम से मिल रहा है। आज अपन ने राइड स्टार्ट किया था 55 किलोमीटर्स पे और अभी अराउंड 98 किलोमीटर्स हो रहा है, तो 40 किलोमीटर्स तो अपन ने चला ही लिया पूरे दिन में, आज उसके ऊपर ही चला लिया, और अपन घर जाते जाते अपना 50 किलोमीटर और हो जाएगा। आज के दिन में पूरा राइड किया अपन ने 110-120, जो मैंने सुबह ही बोला था कि आज का अपना टारगेट ही वही होने वाला है, 110-120 इतना ही राइड होने वाला है आज, विच इज़ गुड आई थिंक, डिसेंट आज के दिन का। एक राइड पे निकलोगे तो 100 किलोमीटर्स तो हो ही जाते हैं, तो अभी तो ये तो छोटे मोटे राइड्स है, तो आज तो मैं आप लोगों को ये राइडर ग्रुप से मिलाने वाला था, तो मैं बोला चलो, बिकॉज मुझे अनिकेत का मैसेज आया था कल, लास्ट थर्सडे को मैं बात हुआ था मेरा उसके, जब मैं उसका गाड़ी का गाड़ी चलाया मैंने उसका, उसने मेरे को बोला था कि आप संडे को आ जाओ, संडे को अपने सब बंदे लोग मिलने वाले अपन मैकडी में, मैकडी में बैठेंगे थोड़ा चिल करेंगे फिर थोड़ा राइड वाइड करेंगे। तो संडे को प्लान हुआ तो मैं संडे को गया इनके साथ में, सबके साथ। और भाई लास्ट टाइम मैं वो किस्सा छोड़ो आज का, मैं अभी एक किस्सा आपको बताता हूँ। ये वाशी ब्रिज है और यहाँ पर ना मैं जब अपना करिश्मा लेके आता था ना, मेरी गाड़ी हिलती थी, लिटरली ऐसा फील होता था कि गाड़ी हिल रहा है, विंड ब्लास्ट मार रहा है ना तो हिल रहा था ऐसा लगता है। अभी ना एकदम हिमालयन चला रहा हूँ ना, ऐसा लग ही नहीं रहा किधर भी गाड़ी को, थोड़ा सा भी हिल रहा है गाड़ी, एकदम स्टेबल, एकदम चिपका हुआ है रोड पर, चिपका हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी ऑन पॉइंट, हिमालयन क्रेजी क्रेजी ब्रो क्रेजी, हिमालयन इज़ क्रेजी, समथिंग जो आप लोगों को पैसा वसूल देगा ना ये, वो है आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगा इतना चलाने का, इसमें वो स्टेबिलिटी है, काबिलियत है इसमें कि भाई ये आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ऑन रोड। और मज़ा तो भाई क्या माशाल्लाह मज़ा आ रहा है भाई, और ऐसे चलती रहेगी ना गाड़ी, कभी भी मेरे को ऐसा लगता नहीं है मेरी गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा फील करती है कि थोड़ा सा भी कि गर्म हो गया या कुछ हुआ, थोड़ा भी फील नहीं हो रहा मुझे एकदम, कोई विदाउट कोई एफर्ट कोई सिंगल प्रॉब्लम्स के मैं 300 किलोमीटर आराम से पूरा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है, क्योंकि अभी मैं 100 किलोमीटर किया, मैं थका भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने एक वो खाली चाय, सुबह मैंने गन्ने का जूस पिया था, फिर शुगर केन जूस के बाद में एक और ब्रेक लग जाएगा ना तो 400 किलोमीटर भी पूरा हो सकता है, मतलब 200 किलोमीटर चला सकता हूँ मैं, चला सकता था सुबह भी मैं चला सकता था, और बट अपन सब बैठने वाले थे 50 के बाद, तो मैं बैठ गया 50 किलोमीटर्स के बाद, मैं बार बार पता है ऐसा चेक करता हूँ,
GoPro चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो चलते हैं। चलो थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं। द अदर्स कांट डू द थिंग दैट हिमालयन डू, दूसरे नहीं कर सकते वो हिमालयन कर सकता है, एंड दैट इज ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग वाला पार्ट ही अलग है। ए कहाँ से निकाला मैंने यार, शी मैंने गलत कर दिया, सोचा लेफ्ट से निकल जाऊंगा, ये बार बार मेरे, क्योंकि इसको राइट से ओवरटेक करना मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा था, लेफ्ट से निकलते मेरे थोड़ा रिस्की लग रहा था इसको राइट से ओवरटेक करना। बाबा है वो इतना बड़ा भाई, क्रेन जैसा है भाई, राइट से कौन, ट्रक्स को ना राइट से ओवरटेक करना बहुत रिस्की लगता है मेरे को, क्योंकि वो लोग क्या एक लेन में चलते हैं ना, तो लेफ्ट से कैसे वो लोग राइट, अभी देखो ये ट्रक वाले राइट रखा है, राइट ही रखेगा, उसको तुम ओवरटेक करने जाओगे ना छिपका देगा डायरेक्ट वो, वैसा ट्रस्टफुल नहीं लगता कि भाई ये एक लेन में चलने का इसका इरादा है या नहीं है, चलेगा वो एक लेन पे, उसको ओवरटेक करने जाएगा छिपका देगा डायरेक्ट, बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्की है। इसलिए मैं ना राइट से कभी कोई गाड़ी जल्दी ओवरटेक, कार्स को और ट्रक को राइट से कभी ओवरटेक नहीं करता मैं, लेफ्ट से ही प्रीफर करता हूँ, लेफ्ट से आराम से ओवरटेक होता है, राइट से ओवरटेक करने में ना बहुत रिस्क लगता है ऑन हाईवे तो खास करके, क्योंकि 50-60 यही स्पीड पे हूँ, जो लिमिटेशन बोला था वही लिमिटेशन को फॉलो करते करते आज पूरे दिन चलाया वो गाड़ी, विच इज़ गुड। ये आदत अच्छी लगी मुझे मेरी, और मेरा ये आदत बहुत पहले से ही है टू मेंटेन। अभी फाइनली अभी जस्ट पहुंचा, एंड मेरी GoPro की बैटरी भी डेड, पूरी बंद पड़ गई GoPro की बैटरी, उसके साथ SD कार्ड भी फुल हो गया, पता नहीं कैसे 128 GB पूरा भर गया आज के दिन में। काफ़ी कुछ कंटेंट है आज के दिन का, तो पूरा एडिटिंग बाकी है, घर जाते हैं एडिटिंग करूँगा मैं अभी, और होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, अपना चैनल ग्रो कर रहा है गाइस आप लोगों के सबके सपोर्ट की वजह से, 811 सब्सक्राइबर्स पे है अपन, होप करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अपन 1000 पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के राइड में, थक चुका हूँ मैं, अभी घर निकलता हूँ, गाड़ी पार्क किया यहाँ पर, दिखाता हूँ मैंने इधर पार्क कर दिया, और आज बाजू में पता है क्या खड़ी है, देखो बेनेली 300 फुल एकदम एक्रोफोबिक लगा हुआ है, बेनेली 300 खड़ी है सामने। होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो, और अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तो वीडियोस में वीडियो आ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी भी आप लोगों को देखने मिलेगी। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।